हेलो स्टूडेंट दिस इज़ ज्योति साहब फ्रॉम किर्जा स्कूल टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर क्लास सेवन साइंस चैप्टर सेवन वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन क्लाइमेट क्वेश्चन नंबर वन इज नेम द एनिमल एलिमेंट्स डेट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो कि किसी भी स्थान के वेदर को डिटरमाइन करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमने पढ़े थे आपका टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी है रेनफॉल है और विंड स्पीड है ये सब जो क्या है एलिमेंट्स हैं किसी भी वेदर के क्वेश्चन नंबर टू है आपका वेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मेजर करना है तो कब करोगे मैगजिमम टेम्परेचर अगर हमें आफ्टरनून में हम मेज़र करेंगे और जो मिनिमम टेपरेचर अगर हमको मेज़र करना है तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग में मेज़र करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है फिलिंडा ब्लैंक्स फर्स्ट है इसमें द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड जब लंबे समय तक कोई एक वेदर चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं नंबर टू है इसमें अ प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस विल बी कैसा हो जाएगा क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई क्वेश्चन नंबर थ्री है थ्री का थ्री द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन कौन से दो रीज़न में होती हैं फर्स्ट है एक पोलर एक पोलर रीजन और सेकेंड है आपका ट्रॉपिकल रीज़न क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या करना है इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आपको इंडिकेट करनी है कि इस एरिया में कैसा क्लाइमेट होता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा मॉडरेटेली हॉट एंड वेट होता है केरला में कैसा होता है हॉट एंड वेट होता है राजस्थान में आपको पता ही है हॉट एंड ड्राई होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसा क्लाइमेट होता है वेट क्लाइमेट होता है क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा है विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट किस में फ्रिकुंटली uh, चेंज होता है वेदर में या क्लाइमेट में तो फटाफट क्या बदलता है हमारा वेदर बदलता है तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा है फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स टू एनिमल यहाँ पे कुछ एनिमल की कैरेक्टर्स दिए हैं फॉर ईच कैरेक्टिस कैरेक्टर स्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज एडेप्टन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन डू यू थिंक डेट सम ऑफ दिस कैरेक्टरस्टिक कैन भी अडेप्टेड फॉर द बोथ रीजन तो हमको ये बताना है कि जो कैरेक्टर रीजें हैं वो कौन सी रीजन की है ट्रॉपिकल रीज़न की है या पोलर रीजन की है जैसे फर्स्ट है आपका डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स तो ये कौस जो हैवी फ्रूट्स खाते हैं वो कौन कौन से रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सेकेंड है आपका वाइट फर वाइट फर आपकी कहाँ की है पोलर रीजन की है थर्ड है आपका नीड टू माइग्रेट माइग्रेट करते हैं कौन से वाले रीजन वाले लोग वो पोलर रीजन वाले करते हैं लाउड वॉइस किसकी होती है लाउड वॉइस करेक्टर्स किसकी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है इसी तरह से आपको ये कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल क्यों पाया जाता है हमको ये एक्सप्लेन करना है तो आंसर है आपका द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विथ कंटिन्यूस रेन जो ट्रॉपिकल का जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रीजन का वो हॉट होत होता है ह्यूमिड होता है और वहाँ कंटिन्यूस रेन भी होती है दीज हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ये जो क्लाइमेटिक uh, कंडीशन होती है इसी के कारण बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन हमको एग्जाम एग्जाम्पल uh, के साथ एक्सप्लेन करना है कि, कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई सर्टेन एनिमल ही क्यों लिव कर सक क्यों रह सकता है लिव कर सकता है या सर्वाइव कर सकता है तो इसका आंसर है सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल कैन बी फाउंड इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन एज दे कैन एडेप्ट वेल टू दो कंडीशन किसी सर्टेन पर्टिकुलर जो कंडीशन होती है उसमें केवल एक विशेष प्रकार का ही एनिमल रहता है क्योंकि वो जो कंडीशन होती है वहाँ की उसके अकॉर्डिंग अपने को एडेप्ट कर लेता है अपने अंदर वो चेंजेस ले आता है जैसे कि पोलर है जैसे कि इसमें इंग्लिश में दिया है मैं आपको समझा रही हूँ हिंदी में जैसे कि पोलर बेयर है वो पोलर रीजन में पाया जाता है क्यों पाया जाता है क्योंकि उसकी स्किन जो होती है थिक होती है दूसरा उसमें क्या होता है फैट की लेयर होती है जो उसको गर्म रखने में मदद करती है और इस एडेप्टन के साथ वो नहीं पा सक कहानी जो रह सकता वो ट्रॉपिकल रीजन में रह नहीं रह सकता है इसी प्रकार जो मंकी है वो क्या करता है वो ट्रॉपिकल रीज़न में सर्वाइव कर सकता है क्यों क्योंकि उसकी लार्ज और स्टडी टेल होती है और वॉइस भी उसकी हाई होती है जिसके कारण वो ट्रॉपिकल रीजन में सर्वाइव कर सकता है और पोलर रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता है क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्टेल्फ जो एलिफेंट जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो कैसे अपने को सर्वाइव करते हैं आंसर है इसका नंबर वन है इट यूज यज नो सो डेट इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल उस जो उनकी जो ट्रंक है वो उसको डोज के रूप में यूज़ करते हैं जिसके कारण जो उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड वो अपनी ट्रंक का यूज़ जो है फूड को पिक करने के लिए भी करते हैं इसके अलावा क्या है इट्स टस्क आर यूज टू तो टीयर वर्क ऑफ ट्रीज इट कैन ईट वार्क ऑफ ट्रीज जो अपने टस्क का है उसका यूज़ वो ट्री की वार्क को टीयर करने में करते हैं और और ये जो वार्केट रिको वो खाते हैं द सोल ऑफ देयर फीट आर करो मीटर विथ थिक पैड जो फीट का जो सोल होता है वो थिक पैड में कन्वर्ट हो जाता है दिस पैड कैन हैंडल देयर इनफ वेट और ये जो पैड होते हैं वो उनके शरीर का जो वजन होता है उसको सह पाते हैं और दे ऑल्सो प्रिवेंट साउंड सो डैट द एलिफेंट कैन मूव साइलेंटली अब जब ये जो पैड होता है वो साउंड होने से भी रोकता है जिसके कारण वो बिना आवाज करके चल सकते हैं नंबर फाइव है इट्स लार्ज ईयर्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग उसके जो बड़े कान होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में कहा है अ कार्निवोर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट वाइल्ड कैचिंग स्प्रे इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन एक कार्डिवल एनिमल है जिसके स्टिप्स हैं तो वो कौन से रीज़न में पाया जाएगा वो कौन से रीज़न में पाया जाएगा आपका ट्रिपिकल रोन रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा विच फीचर एडेप्ट पोलर बेयर टू लिव इन एक्सटर्मली कोल्ड क्लाइमेट कौन सा जो कंडीशन है जिसके कारण वो कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बेयर रह सकता है तो इसमें कंडीशन है आपकी आ वाइट फॉर फैट ब्लू स्किन और किन सेंस ऑफ स्मेल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में कहा गया है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब आ पोलर रीजन कौन सा ऑप्शन जो है पोलर रीजन को डिस्क्राइब करता है तो इसका आंसर है मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल ओके स्टूडेंट यहाँ पर आपका एक, जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है उसका डिस्कशन कम्प्लीट होता है आपको ये अपनी नोटबुक में और टेक्सट बुक में फिल करना है ओके थैंक यू बाय